यार आखिर ये कैसे संभव है कि ये पानी में हाथ लगाते साथ ही तुरंत बर्फ में बदल जाए। और आज हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर मोदी जी की कार की ग्लास कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। चलिए देखते हैं आज की अमेजिंग एंड खतरनाक एक्सपेरिमेंट को, जिसे देखने के बाद आप भी ये कहोगे तो चलिए देखते हैं आज की पांचवी एक्सपेरिमेंट को, बुलेट प्रूफ ग्लास वर्सेस श्रेडर मशीन। मेरे भाइयों, जो हमारे प्रधानमंत्री के कार में ग्लास लगी होती है वो होती है बुलेट प्रूफ ग्लास। और ये कितनी पावरफुल होती है आप इस वीडियो क्लिप से अनुमान लगा ही सकते हैं कि जब हमारे दिलराज भाई इस ग्लास पर लगातार भारी भरकम हथौड़े से वार करते गए, फिर भी इस ग्लास का कुछ उखाड़ नहीं पाए। लेकिन मेरे भाइयों, क्या आई बुलेट प्रूफ ग्लास इस लोहे के दांत वाले श्रेडर मशीन से बच पाएगा? चलिए तो फिर देखते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तो सोच रखा था कि ये ग्लास इस मशीन को काटे का टक्कर देगा, लेकिन ये श्रेडर मशीन तो इस ग्लास को गन्ने की रस की तरह पिसल के रख दिया। नंबर 4, कार वर्सेस एलएनटी मशीन। दोस्तों, तब क्या होगा यदि हम एक कार को 36 टन के एलएनटी के सामने रख दे तो? लेकिन आप उससे पहले इसे देखो। आप इसमें तो ये देख रहे होंगे कि जब एक कार पर मिलिट्री टैंक को चढ़ाया गया तो उसके साथ कुछ ये हाल हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये एलएनटी मशीन इस कार के साथ भी कुछ ऐसा ही करेगा या फिर ये कार जीत जाएगा? चलो तो फिर इसे देखो। सही में यारो, आपको इस एलएनटी की पावर को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन इतने बड़े कार के ऊपर कच्चे उड़ाने में तनिक भी देरी नहीं की। वाकई ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। नंबर 3, क्यूरियस मैजिक। भाइयों, एक बार आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। इसे देखने के बाद आप तो यही सोच रहे होंगे, क्या ये जादू है? क्योंकि ऐसा आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी लिक्विड इतनी जल्दी बर्फ में बदल जाए? लेकिन मेरे यारो, इसे देखकर आप ज्यादा चौंकिए मत, क्योंकि इसके पीछे का फंडा बहुत ही क्लियर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप ये वीडियो इंडिया के किस स्टेट से देख रहे हैं लिखना मत भूलिएगा। अब चलिए इसके पीछे का राज बताता हूँ और आप इसे घर पर भी ट्राई कर सकते। इसके लिए आपको पानी में सोडियम एसीटेट को मिलाना है और उसके बाद उसे कुछ देर तक गर्म करना, और फिर ठंडा होने के बाद आप जिस भी ऑब्जेक्ट को उसके संपर्क में लाएंगे ये तुरंत ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। नंबर 2, मेकिंग टी विथ अनार। गाइज, हमारे देश के लोगों को चाय से एक अलग तरह का प्रेम हो गया है। यहाँ चाय पीना तो सभी लोग पसंद करते हैं, भले ही चाय पीने से कुछ हो या नहीं, लेकिन चाय बेचने से बहुत कुछ हो जाता है। कोई चाय बेचकर करोड़पति बन जाता है, तब कोई चाय बेचकर प्रधानमंत्री। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि क्या अनार की मदद से चाय बन पाएगा? अगर हाँ तो आखिर इसका स्वाद कैसा होगा? चलिए इसे देखते हैं। मेरे भाई, आप यहाँ देख सकते हैं कि फन विद साइंस वाले भैया ने लगातार ढेर सारा अनार का प्रयोग करके मटके में तो चाय बना ही ली, लेकिन जब इसे टेस्ट किया गया तो सच में ये चाय बहुत ही ज्यादा गंदी थी। लेकिन मेरे भाई, आप एक काम कर सकते हो, जिस अनार को आप पसंद नहीं करते उसे आप ये चाय पिला सकते हो। जोक्स अपार्ट, और आज की आखिरी एक्सपेरिमेंट, बोटल मैन। मेरे यारो, क्या आपको तैरने आती है? अगर नहीं तो ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए सच में बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हम सभी के चेहते दिलराज भाई देसी जुगाड़ करके सिर्फ बोतल से बनाने वाले पानी में नहीं डूबने वाली जैकेट आप इसे देख सकते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करने से सच में दिलराज भाई पानी में डूबने के बजाय पूरे मजे से तैर रहे थे, और यहाँ तक कि उनके टीम मेंबर ने उन्हें डुबाने की खूब कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। Hey! Go! Yeah!
कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तो मैं आसानी से तैर पा रहा हूँ। तैर पाएंगे। वैसे आपको अभी तक में कौन से एक्सपेरिमेंट सबसे बढ़िया लगी है कमेंट में लिखना ना भूले, जिससे हमें काम करने की मोटिवेशन मिलती रहे। आपका धन्यवाद।